दोस्तों, वेलकम टू माय शॉर्ट ब्लॉग। और मैं यहाँ पे आ रखा हूँ पांडव द्वारा स्थापित की हुई शिवलिंग के पास। और यहाँ पे आके मैं बहुत निराश हूँ, बोले तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ के लोगों को बिल्कुल वैल्यू नहीं है इस मंदिर की। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है बिल्कुल मंदिर के यहाँ। इतना बुरा हाल कर रखा मंदिर का, ना कोई सफाई ना कुछ, मतलब वैल्यू नहीं किसी चीज़ की। मैं दिखाता हूँ आपको, फिर हम किसी से बात भी करेंगे जो यहाँ पे आसपास रहते हैं, उनसे बात करेंगे। तो फिर देखो कर रखी है ना, कोई इसको सफाई करते न इसमें पानी डालते। तब देखो थाली की हालत है, थाली कैसे कर रखी है। यह बुरा हाल कर रखा है, देखो दूध डाल रखा लेकिन धोए ये कुछ नहीं। यहाँ मक्खियाँ लगी हुई है सारी, यहाँ देख सकते हो आप मक्खियाँ। नीचे फल फ्रूट भी यहाँ रखे तो हमने बाहर किए अभी थोड़ी देर पहले। बुरा हाल कर रखा है, देखो शिवलिंग की हालत देखो। अगर वैल्यू नहीं होती ना तो डाला मत करो, डाला है तो सफाई करके रखा करो। किसने पूजा कर ली? ये देखो सफाई करो, इसमें पूजा वैसा करते सफाई कोई नहीं करते। हाथ जोड़ कर गिनती करती हूँ, मंदिर को मत रखो गंदा, मर खच्चे नहीं लगा देख के। हम दीप जैसे होते हम जरूर करते इसकी सफाई। तो आपने देखा कि क्या हालत कर रखी है इस मंदिर की। मैं आपको मंदिर बाहर से भी दिखाऊंगा अच्छे से, कितना प्यारा मंदिर बनाया हुआ है, छोटा सा बहुत ही प्यारा मंदिर बनाया है। देखो यहाँ और ऊपर देखो पेड़, बहुत पुराना, बहुत ही पुराने टाइम का पेड़ है और इतना प्यारा मंदिर है। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे कूलर लगा रखा है किस चीज़ के लिए, पानी है नहीं। मैं नाम भी दिखाऊंगा किसने लगाया है, देखो मैं दिखाता हूँ। ये रहा देखो, ये लगा रखा है कूलर, लेकिन पानी इसमें आता नहीं है। क्या फ़ायदा उस कूलर लगा के, पढ़ सकते हो आप, देखो नाम पूरा दिख रहा होगा आपको। इन्होंने लगाया है लेकिन पानी कौन देगा, पानी हम देंगे। यहाँ भी लगाया है, यहाँ पे पानी कौन देगा, हैं कौन देगा पानी। बहुत ही प्यारा मंदिर है, मतलब पांडवों ने यहाँ पे शिवलिंग स्थापित की थी तो यहाँ पे एक मंदिर बनाया था। बट इस मंदिर की बिल्कुल वैल्यू नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और बस शेयर करें और सबके पास भेजिए।